कॉइल बदला है या इस पर क्या स्थिति है? तो यहाँ पे एक जम्पर तो लग चुका है, तो देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हमारे पास में एक फ़ोन है जिसमें कि ग्राफिक की प्रॉब्लम है। तो ग्राफिक क्या होता है, क्या प्रॉब्लम बनती है, उसको लाइव प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे और इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे यदि आपके पास इस तरीके से फॉल्ट आता है तो आप उसे कैसे रिपेयर करें। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो आप वीडियो देख रहे हैं, हमारा जो 12 दिसंबर का बैच फुल हो चुका है, उसमें हमारे पास कोई जगह खाली नहीं है। आप दिसंबर के लिए कॉल कर रहे हैं, जगह हमारे पास खाली नहीं है। ऑनलाइन में आप दिसंबर में ट्रेनिंग ले सकते हैं, इतना हो सकता है जो दिसंबर में जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट बुकिंग करा के बैठे हुए हैं उनमें से कोई रुकता है, कैंसिल होता है, तब आपको दे सकते हैं। एक बार आप कंफर्म कर सकते हैं। हमारा जो 12 जनवरी फरवरी की इस समय बुकिंग चल रही है, दिसंबर दिसंबर के महीने तक आप बुक कराते हैं किसी भी महीने की, तो फीस आपकी 19,200 ही लगेगी। लेकिन दिसंबर के बाद जनवरी से बुकिंग स्टार्ट करेंगे आप, जनवरी से आगे का बुकिंग लेंगे तो उस समय जो फीस होगा वही लगेगा। तो दिसंबर की बुकिंग के लिए आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं। जो कोर्स 25-30-40-50 हज़ार रुपये में होता है, वही कोर्स हम आपको 19,200 में सिखा रहे हैं। फीस कम लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कम सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। फीस कम सिर्फ आपके लिए कर रही है जो गरीब परिवार से हैं, नॉर्मल से हैं, गांव से हैं, कि आप सोचते हैं कि 50-60 हज़ार रुपये में कोर्स भी कर लें और दुकान भी खोल लें, तो ये सब कुछ आपके लिए है। तो चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं, ये देखते हैं इसमें प्रॉब्लम जो कहाँ से और कैसे है। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे इस फ़ोन के अंदर ग्राफिक नहीं आ रहे, तो पहले ये देखना है जो रिपेयरिंग है किसी ने की है या नहीं। तो बैटरी यहाँ से मैंने हटा दी है, फ़ोन चालू है, तो डिस्प्ले कनेक्टर को यहाँ से हम डिस्कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले ये देखना है इस फ़ोन के अंदर किसी ने रिपेयर किया है या नहीं किया। तो जहाँ जो सेक्शन होता है तो उसके अंदर हमें पहले ये देखना पड़ता है कि किसी ने रिपेयर तो नहीं किया। तो इसका जो कनेक्टर है, एक बार इसको अच्छे से देखेंगे और इसको जूम करेंगे। देखिए जूम करके यहाँ पे आपको देखना अच्छे से कि ये किसी ने रिपेयर किया है या नहीं किया। सबसे पहला काम ये रहेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो डिस्प्ले कनेक्टर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस पर यहाँ पे लग रहा है कि किसी ने कुछ रिपेयरिंग की है इसके अंदर। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे हम क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने के लिए इसको आप आईपी या पेट्रोल से डिस्प्ले कनेक्टर को एकदम अच्छे से साफ करेंगे। सबसे पहला काम ये वाला है। तो यहाँ पे इसकी सबसे पहले क्लीनिंग करें। देखिए यहाँ पे क्लीन किए, क्लीन करने के बाद अब इसमें क्या ना लाइट आ रही है, इसके अंदर लाइट आ रही है, ग्राफिक नहीं आ रहे। मीटर को डायोड की रेंज पर रखेंगे और जो हमारे डबल कॉइल होते हैं इनके अंदर, जिन्हें कपल कॉइल के नाम से जानते हैं, उनको चेक करेंगे क्या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइट आ रही है तो ग्राफिक की प्रॉब्लम वहीं से बनती है। तो एक पिन इसकी ग्राउंड करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे इस कॉइल पे। यहाँ पे जीआर जो मिल रहा है 274 मिल रहा है, इस पर 274, तो इसका मतलब यहाँ भी 274 है, ये सेम है दोनों जगह। इस पर चेक करते हैं, यहाँ 251 है, यहाँ भी जी आर है, इस पर भी है, इस पर भी है 274, इस पर भी 274-75, इस पर भी सेम, इस पर भी सेम है और इस पर भी सेम है। लेकिन देखें यहाँ पे 273-74, मतलब 275 से 273 के बीच में मिल रहा है, 73-72-74। इस पर हम चेक किए थे, यहाँ पे 251 है, इस पर चेक किए 251 दोनों पर। इसका मतलब है शायद इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, कह नहीं सकते। तो इसको हम जूम करके जो ये कॉइल है इसको फाइंड करते हैं सही से। जो ये कॉइल है इस कॉइल को हमें देखना है कि किसी ने कॉइल बदला है या इस पर क्या स्थिति है। देखिए यहाँ पर किसी ने जो काम किया, देखिए गौर से आप देखेंगे
ये जंपर तो यहाँ पर लगाए हैं किसी ने, लेकिन देखिए जंपर की स्थिति का आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं। जंपर जो है आपस में जुड़े पड़े हैं, इसके अंदर जो जंपर वायर हैं वो आपस में मिले हुए हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, गौर से देखेंगे तो देखिए जो जंपर वायर आपस में मिले तो एक दूसरे का जी आर एक दूसरे से टच हो रहा है। तो हम कोशिश करते हैं इसके अंदर जो इसका जी आर है सेम लाने के लिए, तो हम इसको यहाँ से इस तरीके से अलग करते हैं और इसका जो यहाँ पे बैक साइड है इसको भी यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से ये ठीक हो जाए। देखिए ये जो जंपर लगाए हैं किसी ने ये बिल्कुल गलत तरीके से लगाए हैं। तो इनको यहाँ पे अलग करेंगे एकदम अच्छे से और जीआर चेक करते हैं। अब इस पर अभी जीआर हमारा 250 है, इधर 250 है, इधर 250 है, तो यहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके से फिक्स होना चाहिए और सही होना चाहिए जब यहाँ पर ग्राफिक बनेंगे। यदि यहाँ पर जंपर काम नहीं करते तो आपको जो कॉइल है यहाँ पर कॉइल लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, जो यहाँ पे जो जंपर किए हैं इनको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, तो दूसरे जंपर लगाते हैं। यदि जंपर से काम नहीं होता है तो यहाँ पे कॉइल लगानी पड़ेगी। देखिए यहाँ से जंपर तो मैंने हटा दिया ये, अब जंपर हटाने के बाद यहाँ पे हमें नया जंपर लगाना है और जंपर के साथ साथ हम इस पर एक बार जीआर चेक कर लेते हैं जंपर हटाने के बाद भी, क्या कॉइल ख़राब है। देखिए यहाँ कोई जीआर नहीं है, अब इस पॉइंट पे चेक करना है, यहाँ 270 मिला, अब 270 आ रहा है। यहाँ भी इसका मतलब था कि इसके अंदर जो जंपर लगाए गए थे वो गलत तरीके से लगाए गए। तो यहाँ पे जंपर हमको लगाना है और कॉइल भी देख सकते हैं कि ख़राब हो रही है। तो जंपर यहाँ पर लगाते हैं, थोड़ा बारीक काम है, इसमें समय लगता है, थोड़ा इसको ध्यान से करना है। जब आप रिपेयरिंग करें तो इसमें कोई जल्दबाजी या कोई ऐसा इतना फास्ट ना करें जिससे कि परेशानी इसके अंदर कोई बन जाए। तो यहाँ पर हम जंपर से पहले थोड़ा सा पीपीडी लेके इस तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे। इसके बाद जंपर वायर बिल्कुल पतला आपको बारीक लेना है। अब यहाँ पे जो है इसका जंपर हम यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे कि देखिए जंपर जो यहाँ पे लगाएंगे ऐसा लगाना है कि दूसरे से टच ना हो, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक जंपर तो लग चुका है, अब दूसरा जंपर इस पे लगाते हैं। ये थोड़ा बारीक काम है बहुत, तो आप माइक्रोस्कोप से ही करें। दोनों जंपर लग चुके हैं, जंपर लगाने के बाद इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम इस पर जीआर चेक करेंगे
क्लीन जो करेंगे इसको देखेंगे और यहाँ पे जीआर चेक करते हैं दोनों तरफ, तो सेम जीआर आना चाहिए इस पर। मैं आपको बताऊंगा जीआर जो है 270 आया, इस पर भी आया, इस पर भी है, इस पर भी है। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पर बैटरी चार्जर लगा के इसको ऑन करके देखते हैं क्या डिस्प्ले पे ग्राफिक या लाइट इस पर आती है या नहीं आ पाती। देखिए यहाँ पे जो है कनेक्टर लगा दिए हैं, बैटरी भी लगा दी है, लाइट बंद कर देते हैं जिससे कि आपको ग्राफिक लाइट सही से दिखाई दे। देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। बारीक चीज़ें हैं अच्छे से आपको समझना है, तो इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल के साथ आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।